देखो आज हम बात करेंगे किसकी, नाटो की। ठीक है, तो नाटो क्या था इसके बारे में पढ़ेंगे। एक चीज़ देखो, पहले हम एक वो ले लें साइन, ठीक है ले लिया। अब देखो नाटो के बारे में जानेंगे, तो नॉर्थ अटलांटिक ट्रेस्टी ऑर्गेनाइजेशन इसकी फुल फॉर्म थी। ये नाटो बनाया क्यों, तो पहली चीज़ समझो, एक तो थी पहली दुनिया और एक थी दूसरी दुनिया। पहली दुनिया थी अमेरिका और दूसरी दुनिया थी सोवियत संघ। तो पहली दुनिया दूसरी दुनिया से बेहतर होने के लिए कुछ संगठन बनाना चाहती थी, और दूसरी दुनिया पहली दुनिया से कुछ अच्छा करने के लिए और बेहतर करने के लिए एक संगठन बनाना चाहती थी। तो अमेरिका ने तीन संगठन बनाए, एक बनाया नाटो और एक बनाया सीटो और एक बनाया सेंटो। ठीक है, वैसे सोवियत संघ ने भी कुछ संगठन बनाए। तो जो अमेरिका ने पहला संगठन बनाया था 4 अप्रैल 1949 को, उसकी हम बात करेंगे। तो देखो वो था नाटो, नॉर्थ अटलांटिक ट्रेस्टी ऑर्गेनाइजेशन। इसकी फुल फॉर्म थी उत्तरी अटलांटिक संधि संगठन। इसकी स्थापना 4 अप्रैल 1949 को कर दी गई थी। इसका मुख्य उद्देश्य क्या था, क्यों बनाया गया था ये नाटो? तो देखो इसका मुख्य उद्देश्य था कि नाटो में जितने देश हैं वो एक दूसरे की मदद करेंगे और आपस में मिलजुल कर रहेंगे। अगर एक देश पर हमला होगा तो उसे सब देशों पर हमला माना जाएगा और सब लोग मिलकर जवाब देंगे। ठीक है, तो इसलिए मुख्य उद्देश्य ये था। अब एक मेन चीज़ समझो आप, कि ये जो देश मिलजुल के रहेगा वो देश ज़्यादा तरक्की कर जाएगा। जिन देशों में हमेशा लड़ाइयाँ होती रहेंगी, युद्ध होते रहेंगे, उस देश की हमेशा हानि होती रहेगी। और हानि जिस देश की भी होगी वो देश ज़्यादा तरक्की नहीं कर सकता। वही देश तरक्की कर सकता है जिस देश में हानि ना हो लेकिन प्रॉफिट खूब हो। तो अमेरिका का देखो नाटो का मुख्य उद्देश्य यही था कि नाटो में जितने देश हैं या सदस्य हैं वो एक दूसरे की मदद करेंगे और आपस में मिलजुल के रहेंगे। अगर एक देश पर हमला होगा तो उसे सब देश पर हमला माना जाएगा और सब लोग मिलकर जवाब देंगे। ठीक है,